हर विघ्न को दूर कर सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है माँ कालरात्रि से। नवरात्र के सातवें दिन पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। अत्यंत भयावह स्वरूप वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को कष्टों को तुरंत हरती है और उन पर सुख की वर्षा करती है। ये महाकाली की भांति अत्यंत क्रोधातुर दिखाई देती है और अपने भक्तों की ओर आंख उठाने वाले किसी भी संकट को तुरंत समाप्त करती है। देखने में इनके शरीर का रंग गहन अंधकार की भांति एकदम काला होता है। सिर के बाल बिखरे हुए और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र सत, रज और तमोगुण के प्रतीक हैं। इनका वाहन गर्दभ है। इनकी स्थिति सहस्त्र चार चक्र में अवस्थित है। ये सदैव शुभ फल देती हैं, अतः इनका नाम शुभंकरी है। अतः इनके भक्त इनसे भयभीत होने के बजाय स्वयं को इन्हें समर्पित कर देते हैं। नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके भक्त को इनकी लकड़ी की चौकी पर विराजमान कराना चाहिए। यम नियम संयम का पालन करते हुए उन्हें माँ को पुष्प अर्पण करने चाहिए। इसके बाद उन्हें दीपक, धूप बत्ती और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। जाप के बाद माँ को अपनी परेशानी बताएं, उसे दूर करने का आग्रह करें, जिससे आपकी समस्या का तुरंत निवारण हो सके। माँ कालरात्रि निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेगी।